हेलो गाइस, तो दो टेस्ट हो चुके हैं ऑर्गेनियम पॉपुलेशन के और लोगों के डाउट्स भी आ रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग लगे हुए हो, ऐसे ही लग रही है लास्ट तक। रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है इस बैच से इस बार, तो होप कर रहे हैं हम लोग और लास्ट तक ये जोश बनाए रखें आप लोग, ठीक है ना बाबू। सभी लोग जितने लोग हैं, जो लोग अभी भी नहीं एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट हो जाए। अगल बगल के लोगों को देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं लोग, फर्स्ट रैंक लाने की होड़ मचा दी है एकदम, ठीक है ना बाबू। चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए, माइसेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पेपर नंबर थ्री मींस ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का थर्ड ईयर टेस्ट है, लेकिन टोटल ओवरऑल 15 टेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिम्स एंड ईयर आर शॉर्टली रिलेटिवली शॉर्टर, तो जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं जानवर, उनके जो लिम्स हाथ पैर हैं और कान है नाक, ये सब छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो सके, और क्योंकि वहां पे हीट कंजर्व करना होता है, एनर्जी लॉस कम हो, इसीलिए ऐसे होते हैं। कहते हैं एलन रूल, क्या कहते हैं एलन रूल, समझ में आया कि नहीं आया। अगर उनके हाथ पैर बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया भी बड़ा हो जा रहा है, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो हीट लॉस भी ज्यादा हो जाएगा, मर जाएंगे। इससे अच्छा छोटे छोटे एडाप्टेशन, यानी नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है, ऐसा इवॉल्व हुए हैं वो लोग कि उनके कान छोटे हैं, लिम्ब छोटे हैं, इसे हम बोलते हैं एलन रूल, क्योंकि एलन ने एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी बेंथिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, बेंथिक, सबसे नीचे जमीन में एकदम छुपे छुपे रहते हैं सी के। नेक्स्ट, विच मैमल एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन टू अवॉइड वाटर लॉस, कंगारू रेड बाबू, कंगारू रेड का दो एडाप्टेशन मैंने बताया था जिससे कि वो पानी के लॉस से अपने आप को बचाते हैं। पहला क्या था बताइए, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, फैट, उनके बॉडी में जो फैट होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट एनर्जी तो मिलती है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है जिससे कि उनकी वाटर की कमी पूरी होती है। और दूसरा क्या होता है, उनका यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कम होती है, सारा का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मैक्सिमम पानी, जिससे कि वाटर लॉस कम हो सके, तो कंगारू रैट, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, इसका पेज नंबर नहीं बता रहा, सारा का सारा हो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 44 पे जो पेज है ये देखिए, 44 क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। एक्स वाला मैंने कहा था, जो एक्स वाला है जो कोन टाइप दिख रहा है, कोनिफेरस, कोन टाइप कोनिफेरस, और एक्स वाला जो है पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद एक वाई वाला क्या है, टेम्परेट, उसके ऊपर वाला क्या है ट्रॉपिकल, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, एडाप्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट, पॉइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, जो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। वार्म ब्लडेड हम लोग हैं, जैसे मैमल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं बताइए, होमियोस्टेसिस करते हैं। होमियोस्टेसिस से क्या होगा, बाहर जो भी वातावरण हो, जो भी एटमॉस्फेयर, मतलब अगर हम बात कर लें, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है बाहर, लेकिन हमारा अंदर क्या रहेगा, 37 ही रहेगा, तो इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। अपने अंदर के वातावरण को, अपने अंदर के टेम्परेचर को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, तो एकदम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना, इररेस्पेक्टिव बाहर बाहर कुछ भी हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या इसमें कह रहा है, तो जो कोल्ड ब्लडेड होंगे बाबू, वो मेंटेन कर नहीं पाएंगे, और मेंटेन नहीं करेंगे, अगर गर्मी से बचना है तो एस्टिवेशन करेंगे, क्या करेंगे, जैसे स्नेल्स एंड फिश करते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो यानी कि आंसर क्या होगा, एस्टिवेशन, क्या होगा, एस्टिवेशन। नेक्स्ट, जस्ट लिखा हुआ है, एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला एस्केप द हीट फॉर ड्यूरेशन ऑफ, जैसे हॉट समर जब होता है तो जो उच्च दर्जे के पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, गर्मी से ठंडी एरिया में जाते हैं, मीन्स इस समय उन लोग का माइग्रेशन चल रहा होगा, वो लोग शिमला जाएंगे, वो लोग देहरादून जाएंगे, और जो बहुत ज्यादा होंगे न्यूजीलैंड वगैरह जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, मतलब कहीं भी जाएं, ठंडे एरिया में जाएं, कनाडा जाएं, तो ये क्या है, माइग्रेशन है, क्योंकि उनको फिर वापस आना है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है, उसी तरह से थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन मूव टू, जब साइबेरिया वगैरह में बहुत ठंडी बढ़ जाती है तो वो लोग आते हैं गर्म खोजने के लिए। कियोलैडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, कियोलैडो नेशनल पार्क इन भरतपुर ऑफ राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट मैच, एंटार्क्टिक फिश के अंदर एंटी फ्री सॉल्यूट से प्रोटीन्स होते हैं, बताया था मैंने, वेरी गुड। कंगारू रैट लैक एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, अरे अभी तो देखा हमने कि कंगारू रैट क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेट बना देता है ताकि पानी का लॉस कम हो सके, तो लैक कैसे हुआ, यानी कि ऑप्शन यही गलत है, ठीक है। डिजर्ट लिजर्ड, जो डिजर्ट लिजर्ड है वो क्या करता है, बिहेवियर मतलब अपने आप को ले जाता है कहाँ, धूप में, धूप सेकता है ठंडी में, तो बिहेवियरल हुआ ये, सही है, ठीक है। सील्स जो होती है उनके अंदर जो होता है चमड़े के नीचे फैट होता है जिसे ब्लबर कहते हैं, जिससे उन्हें ठंडी ना लगे,
ठीक है 48 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहां गया इसका, तो ए होगा, इसका होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 48, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, बता रखा मैंने, किसी एक स्पीसीज, किसी सिंगल स्पीसीज जो है, मान लो ह्यूमन पॉपुलेशन, तो सारे सारे ह्यूमन एक जगह किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, इसी को ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। ह्यूमन के साथ कुत्ते भी रह रहे, बिल्लियां, चूहे सब है, इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। तो याद रखिए इसका क्या आंसर होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज ऑक्युपाइंग ए डिफाइंड एरिया, पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, इससे बनता है पॉपुलेशन, इससे बनता है कम्युनिटी, इससे बनता है बायोम, ऑप्शन कोई दिख रहा है, फोर्थ, इजी। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, पहला कह रहा है टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक मतलब जो सॉइल का टॉप लेयर है उसकी स्टडी को टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। तो सॉइल टेक्सचर, देखिए सॉइल टेक्सचर को जानना है तो आपको अंदर हाथ डाल के निकालना होगा पूरा सॉइल बाहर, जिससे कि आपको ग्रेन की साइज पता चल सके, तो हम उसे टोपोग्राफिक फैक्टर तो नहीं कह सकते, यानी कि पहला ही क्या हो गया, इनकरेक्ट मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए होगा इसका, 51 कह रहा है मैंगो ट्यूना फिश लियोपार्ड्स, लिखा हुआ है इट कैन नॉट फाउंड बियॉन्ड केरला, यार लिख रहा है ना, केरला के जंगलों में, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैंगो ट्यूना फिश स्नो लियोपार्ड्स आर रेयरली कॉट बियॉन्ड, कैसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है समझते हैं कि ये स्टीनोथर्मल है, क्या है, स्टीनोथर्मल, दो तरह के होते हैं, यूरिथर्मल और स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल का मतलब क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक रेंज को सह सकते हैं, और जो स्पेसिफिक रेंज को, नैरो रेंज को सहेगा वो हर जगह थोड़ी पाया जाएगा, उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा कि हाँ हम यही पाए जाएंगे, समझ में आया ना। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टीनो, जैसे कह रहा है कि मैंगो हुआ, ट्यूना फिश हुआ, स्नो लियोपार्ड हुए, ये सब क्या है, किसका अलग अलग एग्जाम्पल दिया है कि इनका कुछ स्पेसिफिक रीजन है, कि स्नो लियोपार्ड कभी केरला के जंगल में पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पाया जाएगा, जहां पे बर्फ होगा, और केरला के जंगलों में बर्फ होता है क्या, नहीं ना, तो वही कह रहा है। तो स्टीनोथर्मल होंगे, यानी कि जो नैरो, एकदम नैरो रेंज है, और मैंने एक चीज लिखवाया, तो जो यूरिथर्मल होते हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वाइड, हर जगह पाए जाते हैं। चलिए फाइंड आउट करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू सैलिनिटी, तो सैलिनिटी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारा का सारा, तो इनलैंड वाटर क्या होगा, 5% इसी के आसपास, तो करेक्ट पूछा है, 5% से कम होता है, यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, सी वाटर इज इक्वल टू लिखा हुआ है हाइपर सैलिन, सैलिन लैगून्स मोर देन 100 या इक्वल देन 100, ठीक है ये सही है, और बाकी सब थोड़े थोड़े क्या है, गलत है वो, तो एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बिलो इन द डायग्राम, इसमें क्या है, देखिए ये जो डायग्राम है ध्यान से देखिएगा, ये इंटरनल एक्सटर्नल, अगर इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से बदल रहा है, क्या अगर एक्सटर्नल के हिसाब से इंटरनल बदल रहा है, तो ये क्या है, पॉइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड से हम कहते हैं क्या, कन्फर्मर्स, क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स, जिसका एग्जांपल कौन होता है, सबसे बड़ा क्या एग्जांपल है, प्लांट, क्या है ये, क्या है बाबू, ये है होम्योस्टेसिस करने वाले लोग, रेगुलेटर्स, क्या है, रेगुलेटर्स, और मैमल होता है, मैमल में एग्जांपल में से बर्ड दिया है, तो पहला हो गया प्लांट और दूसरा हो गया बर्ड, ये क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं बाबू, पार्शियल रेगुलेटर्स। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54, smaller animal tend to lose body heat very fast as compared to large animal because they have high surface area to volume ratio, unka jo high surface area, unka surface area zyada hota hai with respect to the volume, isiliye unka kya hota hai, yaad rakhiye unka heat loss bhi zyada hoga, yahi hai Bergman rule, yahi kaun sa rule hai, Bergman rule, chaliye to option kya hoga, first rise in temperature and air humidity can be observed from, ठीक है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था ध्यान से देखें बस 10 सेकंड, हमारा जो अर्थ है बीचों बीच में जहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है वो क्या है, इक्वेटर, वो क्या है, इक्वेटर, सबसे ज्यादा लाइट पड़ने का मतलब क्या, लाइट इंसिडेंस ज्यादा यहाँ पे, और ज्यादा होगी तो सबसे क्या होगा, ये गर्म ज्यादा होगा, गर्म क्या होगा, ज्यादा। अब जैसे जैसे पोल, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे और ये साउथ पोल है, और अगर आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, जैसे लैटिट्यूडनल कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, क्या कहते हैं बाबू, और इससे अगर ऊपर उठोगे तो
क्या देखिए ये मार्कर है ना, ऐसे जा रहे हो ऊपर उठ जा रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, यानी कि लॉन्ग क्या है ये एल्टीट्यूड है, ये क्या है एल्टीट्यूड, यानी कि अब देखिए जब ये गर्म सबसे ज्यादा इधर जाओगे ठंडा, इधर जाओगे ठंडा, तो हम अगर कहें कि पोल से इक्वेटर जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी या इक्वेटर से पोल जाएंगे तो गर्मी घटेगी, तो हम क्या ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या लिखा है, इक्वेटर टूवर्ड पोलर रीजन राइज इन टेम्परेचर कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेटर, नहीं इक्वेटर से पोलर जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, दूसरा ऑप्शन पोल्स टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो राइज इन टेम्परेचर, हाँ सही है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया सही है, याद रखेंगे इस बात को सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडैप्टेशन, पहला डिजर्ट लिजर्ड बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो कंफर्ट जोन, वेरी नाइस, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई दिक्कत नहीं, इनसाइड लिख रखा है इसको, एग्जाम में पूछा चुका है नीट में कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए सब बच्चों ने कहा सर ये बताया नहीं आपने, लिखवाया नहीं है, तो मैंने ये चीज लिखवाया था बाबू कि जो साइज होता है कितना सबसे ज्यादा किसका बड़ा होता है, सब मैंने बताया था ग्रेवल का सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा क्ले का होगा, इसी असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखे होते सारा का सारा आंसर मिल जाता, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 देखिए, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, किसके विच व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट निक, या जिसे हम नीस भी कहते हैं, तो नीस क्या होता है फंक्शनल रोल, इकोलॉजी सिस्टम में किसका क्या फंक्शनल रोल है, तो देखिए बाबू ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवायरेबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज कैन टॉलरेट, ठीक है अपना एक नीके होगा बी वाला, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, ये भी सही है, ए सिमिलर फंक्शनल रोल इन, सिमिलर कैसे हो सकता है भाई, अलग अलग डिफरेंट होगा रोल तभी तो अलग अलग नीके होंगे उनके अलग अलग फंक्शनल रोल, तो ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा क्या है गलत है। देखिए 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब टेम्परेचर आप पढ़ेंगे टेम्परेचर वाला सेक्शन तो पहला ही लाइन ये लिखा हुआ है टेम्परेचर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर टेम्परेचर के रिगार्डिंग गलत कौन है, तो डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द पोल टुवर्ड द इक्वेटर, पोल से इक्वेटर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो पहला ही ऑप्शन क्या है गलत, देख रहे हैं ना कितना आसान आसान पेपर बन रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका 18-19 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है, आज जैसे कुछ गधे कह रहे थे 5-6 गलत हो गया ये गलत हो गया, बताइए सब सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है ना बाबू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ 16th, ये 15वां पेपर था जो 7 जून को हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।